नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि जिले के कन्हर गांव और काराबोह जलाशय सूख गए हैं और भविष्य में जल संकट से बचने के लिए इन जलाशयों का गहरीकरण के उद्देश्य से जिले के किसानों को सूचित किया है कि इन जलाशयों के गाद वाली मिट्टी किसान ले जा सकते हैं, लेकिन वे ये ध्यान रखें कि बांध और उसके बेसमेंट पे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो। किसान सिर्फ जलाशयों के भीतर के गाद वाली मिट्टी ही ले जा सकते हैं और अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकते हैं। पारटसिंगा में मटकों की मांग इन दिनों बाजार में बढ़ गई है। अक्षय तृतीया आते ही इनके दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। कुंभकार ने बताया कि मटके को बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। चिकनी मिट्टी का उपयोग करके हस्तकला से मटका तैयार किया जाता है। वहीं बाजारों में हस्तकला से बना मटके को उचित दाम नहीं मिल पाते। अमरवाड़ा में वेटरनिटी डॉक्टर अनिल केवट को बीमा कवर के नाम पर 4,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। टीम मौके पर जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। रिश्वत एक किसान से मांगी गई थी। पांडुर्ना के जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को भेजे गए 17 ग्राम पंचायतों में जल परिवहन की अनुमति के प्रस्ताव में से महज 5 गांवों में ही जल परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे बाकी गांवों में व्याप्त जल संकट को राहत मिलने की उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।